नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वकर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपसी का अपने चैनल अनुरूप की एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला इंदिरा मिल चौराहा, जिसको इंदिरा मिल फ्लाईओवर भी कहा जाता है, वहां से आपको दिखाने वाला हूं ज्ञानपुर मार्केट तक का राइड करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये टोटली मैं राइड दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले से, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं रास्ते में हूँ अभी, और यहाँ पर ये दुर्गा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे अभी सोनालिका ट्रैक्टर की बुकिंग हो सकती है, आप करा सकते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पे जैसे आपको रूम चाहिए तो रूम भी ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर आगे चलते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मेन रोड है, और अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों थोड़ी दूर पर, यहाँ पर आपको पेट्रोल पम्प देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर आपको देखिए दोस्तों आगे सामने आपको रजपुरा चौराहा दिखाई देगा। तो चलिए अब चलते हैं, आगे चलते रहें। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग रजपुरा चौराहा पहुँच चुके हैं। आगे रजपुरा चौराहा है, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ से अगर बाएं जाएंगे तो मिर्ज़ापुर, दाहिने जाने पर भदोही रेलवे स्टेशन, और सीधे जाने पर आपको ज्ञानपुर, गोपीगंज और इलाहाबाद जा सकते हैं। तो राइड में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब सामने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से नेशनल तिराहा हमें जाना है, और वहाँ का हमने पहले ही राइड वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, वहाँ में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। और आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे चारों ओर जो है मार्केट टाइप लगता है, जो कि सुबह टाइम रहता है, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, यहाँ गैरेज था। तो चलिए आगे बने रहते हैं वीडियो में। और अभी आप ये देख सकते हैं सामने हम लोग पहुँच चुके हैं नेशनल तिराहा, और यहाँ पर सामने वो नेशनल स्कूल है, वो जिसको भदोही का मतलब माना जाना स्कूल है, और यहाँ से हम लोग जाना है बाएं साइड, जो कि जाएगा ये रास्ता सीधा ज्ञानपुर, और यही तिराहा से अगर आप दाहिने मुड़ेंगे तो आप चले जाएंगे फिर से भदोही रेलवे स्टेशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं ज्ञानपुर। तो ज्ञानपुर जाने के लिए बाएं हम लोग टर्न ले लिए हैं, अब ये रास्ता सीधे हमें ज्ञानपुर ले जाएगा। ज्ञानपुर के होते हुए आप गोपीगंज जा सकते हैं, जंगीगंज जा सकते हैं, इलाहाबाद और भी जगह जाना हो आप जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट पूछिएगा। और ये देख सकते हैं सामने आप, पीछे फायर स्टेशन था, और अभी यहाँ से मूसी स्टेडियम, यहाँ रास्ते मूसी स्टेडियम पड़ता है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, जो कि भदोही का नेशनल स्पोर्ट है, जहाँ पे आप नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स होता है। भदोही का डिस्ट्रिक्ट जो प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है, वो यही है मूसी स्टेडियम, जिसको कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेडियम है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर जो है क्रिकेट, फुटबॉल और एवं हर एक खेल किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट भी खेलते हैं, और लगभग हर एक गेम होता है। तो अगर आप यहाँ चाहते हैं तो यहाँ मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा, तो मैं बनाऊँगा ज़रूर। तो फिर अब यहाँ से दोस्तों अभी ज्ञानपुर चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। दोस्तों ज्ञानपुर मार्केट से ठीक कुछ दूरी पहले ही आपको बता दें, यहाँ पे फूल मंडी लगता है ज्ञानपुर मार्केट के पहले ही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाएं साइड फूलों की बिक्री होती है। यहाँ पर आप फूल चाहे तो फूल ले सकते हैं, फूलों के पौधे ले सकते हैं,
और ठीक उसी के आगे थोड़ी ही दूर पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पर एक स्कूल जो कि है श्री काशी नरेश इंटर कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है, ज्ञानपुर का बहुत ही जाना माना स्कूल है। और दोस्तों ये कॉलेज है स्कूल ने, और यहाँ पे फिर कुछ दूरी बाद आपको यहाँ पे फिर से फूल मंडी देखने को मिलेगा, और ठीक इसी के बगल में आपको मार्केट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग मार्केट में आ गए हैं। इससे पहले एक चौराहा पड़ता है जहाँ पे वो शहीद स्तंभ लगाया गया है छोटा एक किसी का, वो मुझे पता नहीं किसका इसलिए मैंने वहाँ नहीं सीन लिया। आगे आपको देखने को शहीद पार्क भी मिल जाएगा जहाँ पे शहीद लोगों की स्मृति बनाई गई है। तो अगर आप चाहते हैं उस पार्क का अलग से वीडियो कोई बने मैं बना दूंगा, तो यहाँ से उसका छोटा सा आप झलक देख लीजिए जो कि वो गेट के अंदर है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।